पांच, आठ और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है और यदि आधार अपडेट नहीं होता है तो ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार यदि इन आयु वर्ग के लोगों का आधार अपडेट नहीं होगा तो इन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है। डीसी ने कहा कि सिरमौर जिला में सभी ऐसे आयु वर्ग के लोगों से आधार अपडेट करवाने की अपील की जा रही है। डीसी ने कहा कि लोग जहां आधार केंद्रों में अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं, वहीं पंचायत प्रतिनिधि अपनी पंचायतों में शिविर आयोजित कर आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। जिला सिरमौर के सभी वासियों से मैं अपील करता हूँ कि आधार अपडेशन के लिए जो है वो भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 8 साल के पश्चात जो है अपने आधार का जो अपडेशन जरूर कराएं, टेलीफोन नंबर का, फिंगरप्रिंट्स का, आइरिस का, उसका अपडेशन जरूर कराएं। और जहां बच्चों ने रजिस्टर किया है तो बच्चों का अपडेशन जो है 5 साल के बाद और 15 साल के बाद उनका अपडेशन भी, उनका फिंगरप्रिंट्स का होना अनिवार्य है। क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी जो स्कीम्स हैं DBT जो है वो आधार बेस्ड हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिशियरी को बेनिफिट जाता है वो DBT है, तो कई बार उसमें जो है बहुत समस्या आती है और जो भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो आधार अपडेटेड नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसमें जब तक आपका आधार अपडेटेड नहीं होगा आपका जो है नेक्स्ट आपकी अप्रूवल जो है या उसमें आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट का जो है वो इशू रहता है। इसलिए सभी सिरमौर वासियों से निवेदन है कि आप अपने आधार अपडेशन नियर बाई जो आपका आधार सेंटर होता है उसमें जरूर करवाएं और जो भी लोक मित्र केंद्र हैं उनको भी हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि वहाँ भी जो है वो आधार अपडेशन हो सकता है, या जिन पंचायत में प्रधान कैंप्स लगवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अपना डेट समय दे सकते हैं। उसमें हम यहाँ से जो टीम जिला स्तर से टीम में जाएंगे तो वहाँ पर उनके आधार अपडेशन की जो है वो पूरा वहाँ पर कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि वहाँ के निवासियों को जो है डोर स्टेप्स पर ये सुविधा मुहैया हो।